दिस वन इज योर कैपर मॉडल. दिस इज अगेन वन ऑफ द अप्रोच टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. अर्लियर वी हैव डन मेनी मॉडल्स लाइक अर्निंग प्राइस अप्रोच, डिविडेंड प्राइस अप्रोच, गॉर्डन मॉडल, एंड दिस वन इज द फोर्थ वन, दैट इज द कैपर मॉडल, विच इज पॉपुलरली नोन एज द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. नाउ अंडर दिस, हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, द एक्सपेक्टेशन ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स लाइज इन द रिस्क परसेप्शन टूवर्ड्स द कंपनी. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने अर्निंग प्राइस अप्रोच करा था, वहां पर इक्विटी शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन किस पे होती है, इन द टोटल अर्निंग्स ऑफ द कंपनी. डिविडेंड प्राइस अप्रोच के अंदर एक्सपेक्टेशन ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर लाइज इन द डिविडेंड गिवन टू देम और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ द अर्निंग्स टू द शेयर होल्डर. डिविडेंड प्लस ग्रोथ मॉडल यानी कि गॉर्डन मॉडल में इक्विटी शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन लाइज इन बोथ डिविडेंड प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन, वेयर एज इन केस ऑफ द कैपम मॉडल द एक्सपेक्टेशन ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर लाइज इन देयर रिस्क परसेप्शन. रिस्क परसेप्शन का मतलब क्या है कि मार्केट से अगर मैं एक कहीं जाकर एफडी में इन्वेस्ट करूं, ठीक है, तो वो रिस्क फ्री रिटर्न होता है मेरा, बिकॉज वो फिक्स्ड है. मुझे पता है कि आज की डेट पर मैंने इस रेट पर इन्वेस्ट करा है तो 5 साल बाद मुझे मैच्योरिटी में इतना अमाउंट मिलेगा. सो दैट इज रिस्क फ्री. आपकी कंपनी में एडिशनल रिस्क कितना है उसका ये रिस्क प्रीमियम एड हो जाता है केई के अंदर. आई अगेन रिपीट, ये देखो के ई इज इक्वल टू क्या होता है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट प्लस द रिस्क प्रीमियम. एंड दिस रिस्क प्रीमियम विल डिपेंड अपॉन द रिस्क परसेप्शन ऑफ द शेयर होल्डर, कि शेयर होल्डर आपकी कंपनी को कैसे एनालाइज करते हैं, क्या उनकी परसेप्शन है कि आपकी कंपनी मार्केट से कितनी ज्यादा रिस्की है. सो इसको कैलकुलेट करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि रिस्क फ्री इंटरेस्ट. रिस्क फ्री इंटरेस्ट का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं पर भी एफडीज के अंदर इन्वेस्ट कर दो, दैट इज अ रिस्क फ्री इंटरेस्ट, ठीक है, उसमें कोई भी रिस्क नहीं है, दैट इज फिक्स्ड कि आप इतने अमाउंट को इन्वेस्ट करोगे इस रेट पर, तो आपको मैच्योरिटी पे ऑलरेडी आपकी एफडी पर मेंशनड होता है कि इतना अमाउंट आपको मिल जाएगा. प्लस इसके अलावा आपकी कंपनी का रिस्क प्रीमियम कितना है वो हम इसमें ऐड कर देते हैं, उससे आपका कैलकुलेट होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी. एंड दिस मॉडल, मार्क माय वर्ड, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल. दैट इज व्हाई इवन इफ इट इज नॉट देयर इन योर बुक, मैं फिर भी आपको करवा रही हूँ, बिकॉज आप जब भी हायर स्टडीज करोगे आप इस मॉडल को हमेशा देखोगे एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल. के ई इज इक्वल टू क्या होता है, अब रिस्क प्रीमियम को मैं कैसे कैलकुलेट कर रही हूँ, के ई इज इक्वल टू क्या होता है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, ठीक है, वही जो नॉर्मल आपको रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में गिवन होगा जिसमें कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता. जैसे मैंने आपको बोला कि किसी भी बैंक में जाकर अगर आप कोई एफडी करवा लेते हो तो वो आपका रिस्क फ्री इंटरेस्ट है. रिस्क प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होगा उसका एक फॉर्मूला है, ठीक है, बीटा इंटू ईआरएम माइनस आरएफ, ठीक है. अब ये रिस्क प्रीमियम रेट है, इसका मतलब क्या है, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम मार्केट होता है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट मुझे पता ही है, और बीटा से हम मल्टीप्लाई करते हैं. बीटा बेसिकली मेजरमेंट होता है मार्केट रिस्क का. अगर आप इसको और डिटेल में पढ़ोगे तो अगर बाय चांस क्वेश्चन में बीटा गिवन ना हो, बट ऐसी सिचुएशन होगी नहीं जनरली आपके लेवल पर, स्टिल अगर बीटा आपको क्वेश्चन में गिवन ना हो तो आपको बीटा भी कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मेंशनड है यहाँ पर. जनरली बेटे होता क्या है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क, ठीक है, एक सिस्टमैटिक होता है और एक अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है, ठीक है. अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट विच आई एम टेलिंग यू फॉर योर जनरल नॉलेज. देर आर टू टाइप ऑफ रिस्क, वन इज द अनसिस्टमैटिक रिस्क एंड अदर इज द सिस्टमैटिक रिस्क. अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, दैट पोर्शन ऑफ द टोटल रिस्क विच इज इनकर्ड ड्यू टू कंपनी स्पेसिफिक और रैंडम इवेंट. नाउ दिस टाइप ऑफ रिस्क कैन नॉट बी मेजर्ड बट इट कैन बी डाइवर्सिफाइड टू सम एक्सटेंट थ्रू अ वेल फ्रेम पोर्टफोलियो. अब इसका मतलब क्या है, जब हम बोलते हैं ना कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, इसका मतलब वही है. अनसिस्टमैटिक रिस्क जो है, अगर आप अपने एक्स को डिफरेंट बास्केट्स में रखोगे तो वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा. अगर फॉर एग्जांपल इसके कहने का क्या मतलब है, ये कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होता है. कंपनी स्पेसिफिक रिस्क क्या होता है कि मैंने सो एंड सो एक्स वाई जी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया
और उस कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम हो गई, कोई भी लॉस हो गया, तो मेरी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो जीरो हो जाएगी। ये ऐसे रिस्क को मैं कैसे मैनेज कर सकती हूँ पोर्टफोलियो से? पोर्टफोलियो का मतलब क्या है कि जब मैं एक ही जगह इन्वेस्ट ना कर अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करती हूँ, ठीक है? सो दैट इज बेसिकली हाउ आई कैन डाइवर्सिफाई माई अनसिस्टमैटिक रिस्क विद हैविंग विद द हेल्प ऑफ द पोर्टफोलियो। सो अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है? कंपनी स्पेसिफिक इवेंट से वो तब ज्यादा रेलिवेंट होता है अगर आपने अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट एक ही कंपनी में कर दिया तो। दिस कैन बी डाइवर्सिफाइड, आप अलग अलग जगह पर जाकर इन्वेस्ट कर लो, आप थोड़ा बहुत इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर लो, थोड़ा बहुत आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर लो, थोड़ा बहुत आप कहीं बैंक्स में इन्वेस्ट कर लो, ये आपकी डाइवर्सिफिकेशन और पोर्टफोलियो होता है। इट कैन बी डाइवर्सिफाइड बट इट कैन नॉट बी मेजर्ड, मेजर नहीं हो सकता लेकिन डाइवर्सिफाई हो सकता है। वेयर एज सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है? ऐसा रिस्क जो मार्केट फ्लक्चुएशंस की वजह से होता है। अब देखो अगर मार्केट में कोई चेंज आ रहा है तो वो तो सारी इंडस्ट्री को इफेक्ट करेगा, चाहे आप जितनी मर्जी डाइवर्सिफिकेशन कर लो। हाँ, इम्पैक्ट का जो इंटेंसिटी है वो डिफर करेगी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, बट अगर कुछ ऐसा रिस्क है जो मार्केट फ्लक्चुएशंस की वजह से हुआ है जो हर किसी को इम्पैक्ट करेगा, जैसे इन्फ्लेशन आ गया आपकी इकोनॉमी में, इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, आरबीआई की पॉलिसीज चेंज हो गई, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, रिसेशन हो गया, बूम हो गया इकोनॉमी के अंदर, ऐसा रिस्क आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते बिकॉज मार्केट फ्लक्चुएशन आपकी पूरी की पूरी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करता है, ठीक है, चाहे आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर दो। बट यस, दिस टाइप ऑफ रिस्क कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द बीटा, और वो बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ शेयर्स इनटू कोरिलेशन ऑफ शेयर्स एंड मार्केट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। इन केस अगर आपको गिवन नहीं है, अगेन आपको मैं कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ जो आपके लेवल से थोड़ा ऊपर हो सकता है, बट आपको इस लेवल पे ये जानना जरूरी है बिकॉज कहीं पर भी आपसे कैपर मॉडल पूछा जा सकता है बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इन केस आपको कैपर मॉडल आता है, आपके पास ये बीटा की जो बीटा की इंफॉर्मेशन अगर गिवन नहीं है, तो डेफिनेटली आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ शेयर्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट एंड कोरिलेशन ऑफ शेयर्स एंड मार्केट गिवन होगा। एंड यस, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट यू शुड आल्सो नो दिस थिंग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहीं पर भी आपको इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है कि रिस्क क्या होता है और रिस्क के टाइप्स कौन से होते हैं और कौन सा रिस्क जो है डाइवर्सिफाई हो सकता है, कौन सा डाइवर्सिफाई नहीं हो सकता, कौन सा रिस्क जो है मेजर कर सकते हैं और कौन सा रिस्क मेजर नहीं कर सकते हैं। सो आई अगेन आंसर यू ऑल दीज क्वेश्चन। रिस्क क्या होता है? वेरिएशंस इन द एक्सपेक्टेड रिटर्न। कुछ भी अगर आप एक्सपेक्ट करते हो, अगर वो 100% उतना ही, जैसे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मुझे 100 रुपीज का बेनिफिट होगा, अगर वो 100 रुपीज का बेनिफिट ना होकर उससे ज्यादा बेनिफिट हो गया या उससे कम बेनिफिट हुआ, दोनों ही सिचुएशन में रिस्क है। वेन एवर देयर इज सम डेविएशन इन योर एक्सपेक्टेड रिटर्न, देन इट इज नोन एज द रिस्क। रिस्क इज वेरिएशन इन द एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क, दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क, सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक। अनसिस्टमैटिक डाइवर्सिफाइबल है, सिस्टमैटिक नॉन डाइवर्सिफाइबल, अनसिस्टमैटिक मेजरेबल नहीं है, वेयर एज सिस्टमैटिक रिस्क मेजरेबल है विद द हेल्प ऑफ द बीटा। एंड अगेन इफ द बीटा इज नॉट गिवन देन यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। सो अगेन कमिंग बैक टू द कैपम मॉडल, सो कैपम मॉडल के केस में आई होप आपको अब क्लियर है, ये आपको गिवन होगा एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द मार्केट, रिस्क फ्री रेट भी गिवन होगा, बीटा दैट इज द मेजर ऑफ द सिस्टमैटिक रिस्क विल ऑल्सो बी गिवन टू यू। और अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताऊं तो मार्केट का बीटा हमेशा जो है वो 1 होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आप ये वाला फॉर्मूला अगर अप्लाई करोगे, यू विल इजिली कैलकुलेट दी के ई विद द हेल्प ऑफ द कैपर मॉडल। अगेन यू कैन इजिली आइडेंटिफाई कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर के ई कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है और रिस्क फ्री रिटर्न गिवन है, बीटा गिवन है, एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम मार्केट गिवन है, दैट सिंपली इंडिकेट
कि आपको वो क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करना है, कैपम मॉडल से सॉल्व करना है. अगेन द सेम थिंग इज बीइंग गिवन कि बीटा इज अ मेजर ऑफ द सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क कैन नॉट बी मेजर्ड बट इट कैन बी डाइवर्सिफाइड थ्रू द पोर्टफोलियो. And then this is a small question whereby you are supposed to calculate the KE with the help of the CAPM model. So let us do it. KE ka formula kya hota hai? Now again you have to use the CAPM model over here. CAPM model ka matlab kya hai? Capital Asset Pricing Model. Whereby the formula used will be KE is equal to RF plus beta, ठीक है, and into ERM minus RF. Now, in order to calculate the first, again beta is not given, so I'll calculate the beta, ठीक है, over here. सो बीटा कैसे कैलकुलेट होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, देखो आपको यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ शेयर्स इनटू कोरिलेशन बिटवीन शेयर्स एंड मार्केट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट. सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ शेयर्स क्या गिवन है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन एसेट गिवन है, ठीक है, दैट इज 2.8 इंटू कोरिलेशन गिवन है 0.8 divided by standard deviation market of market, ठीक है, that is market standard deviation which is given 2.3. please calculate the beta and tell me the answer. what is the beta? I guess it should come out to be, it is equal to 0.974. are you guys getting the same answer? Yes ma'am. Okay, fine. So now beta is done. Now simply you have to calculate the KE. please give me the answer for KE also. risk free rate aapka kitna given hai? 8%, theek hai, plus beta maine abhi calculate kara 0.974 into expected return from market already given to you 18% minus risk free rate already given 8%. so simplify it and get the cost of equity and you should be getting 17.74 as your answer. please